दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी रहस्यमय दरगाह शरीफ की जियारत कराने वाले हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि एक 200 साल पुराना इमली का पेड़ है और उस इमली के पेड़ के अंदर भूत प्रेत शैतानों को कैद करा जाता है। दोस्तों पूरी जानकारी हम यहाँ के जो खादिम साहब है उनसे लेंगे और जो पेड़ भी आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के चिखली के अंदर हजरत खैरुल्लाह साहब बाबा की दरगाह शरीफ, और इसी दरगाह शरीफ के अंदर 200 साल पुराना एक इमली का पेड़ बताया जाता है। उस इमली के पेड़ के ऊपर बताया जाता है जो भी भूत प्रेत रूहानी ताकत शैतानी ताकत अगर मौजूद है तो उसके ऊपर जो भी आपके शरीर के अंदर चीज मौजूद है तो काली कलर की गुड़िया नींबू वगैरह उतार करके और कील से उसको उस पेड़ के ऊपर ठोका जाता है। बताया जाता है कि जो भी शरीर के अंदर जो चीज होती है वो उसी पेड़ के अंदर रह जाती है। तो अभी आपको जो इमली का पेड़ है वहाँ भी आपको नज़ारा दिखाएंगे और जो खादिम साहब है हम उन्होंने भी यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम अंदर चलते और आपको पूरा दीदार कराते, पहले आपको मजार शरीफ हजरत खैरुल्लाह साहब बाबा की जो मजार शरीफ है वहाँ पे आपको दीदार करा देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा नजर आएगा और यहाँ पे कौन सा वो पेड़ है जहाँ पे भूत प्रेतों को कैद करा जाता है वो भी हम आपको भी दिखाते हैं और यहाँ पे जो भी खादिम साहब है उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे कितने ऐसे पेड़ है वो भी हम पूरी जानकारी यहाँ के जो खादिम साहब है उनसे लेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ भी पेड़ के ऊपर यहाँ पे कील वगैरह से यहाँ पे एक काले कलर की गुड़िया काले कलर के पुतले यहाँ पे ठोक रखे और नींबू वगैरह भी आपको यहाँ नजर आएंगे और कई जगह तो आपको यहाँ पे फोटो वगैरह भी नजर आएगी। ये पूरा नजारा देखिए आप, ये पूरा एक इमली का पेड़ है और इसी इमली के पेड़ के ऊपर कई सारी ऐसी करामातें बताई जाती है। यहाँ पे जिस किसी के शरीर के अंदर अगर शैतान मौजूद रहता है तो यहाँ पे आने पर से ही वो शैतान इसी पेड़ के अंदर समा जाता है। तो अभी ये पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे, अभी अंदर चलते हैं आपको पूरा दीदार कराते हैं। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। इससे ये होगा कि अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों अंदर आने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का ये पूरा नज़ारा नजर आएगा, अभी अंदर चलते हैं आपको। दोस्तों हजरत खैरुल्लाह साहब बाबा की दरगाह शरीफ के अंदर कई ऐसी रहस्यमय चीज़ें मौजूद है वो भी अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि एक काफ़ी पुराना एक पत्थर का एक चिराग है, मतलब दीपक है, उसके अंदर चिराग यहाँ पर रोशन होते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले आपको यहाँ पर दीदार करा देते हैं। पहले हमने यहाँ पर फूल और चादर पेश करी, फिर यहाँ पर अब आपको दीदार करा रहे हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर दुआ करवाई, अभी यहाँ के जो खादिम साहब है अभी हम उन्होंने भी दुआ कराएं। और दोस्तों यहाँ पे जो इमली का पेड़ बताया जाता है उस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि जो भी आपके शरीर के अंदर कोई भी भूत प्रेत हो तो उस पेड़ के अंदर ही रह जाता है। तो उस पेड़ के बारे में मेन जानकारी हम लेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए जो अल्लाह के वली है उन्हों का यहाँ पे पलंग वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है और ये अभी आपको घुमा करके पूरा नज़ारा दिखा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है जो ये ज़मीन के अंदर अल्लाह की इबादत करने की एक जगह हजरत सैलानी बाबा इसके अंदर जा करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। एक गुफा यहाँ पर अंदर बनी हुई है, मतलब यहाँ पर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। जब हमने यहाँ के खादिम साहब से बात करी तो उन्होंने बताया कि अंदर कोई भी नहीं जाता है, अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है क्योंकि ये अंदर की साइड है और अल्लाह की इबादत किया करते थे। सिर्फ सैलानी बाबा हजरत सैलानी बाबा के अलावा कोई भी अंदर नहीं गया है। और जो हजरत खैरुल्लाह साहब बाबा है वो सिर्फ जो चाय दूध होता था वो यहाँ से दे दिया करते थे। तो अभी आप हजरत खैरुल्लाह साहब बाबा की जो मजार शरीफ है उसकी आप दीदार कर रहे हो, जियारत कर रहे हो और भी आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा देते हैं घुमा करके। दोस्तों यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और सभी की मन्नत और मुरादें यहाँ पे पूरी होती है। बताया जाता है कि यहाँ पे बे औलाद को भी यहाँ पे औलाद नसीब हुई है, यहाँ पे जिनों को बच्चे नहीं होते उनको भी यहाँ पे बच्चे नसीब हुए और सभी की बड़ी से बड़ी मन्नत और मुरादें यहाँ पे पूरी हुई है। और जैसे कि भूत प्रेत जिन्नात इन सब चीज़ों का यहाँ पर इलाज होता है वो भी हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी आप यहाँ पूरा दीदार करिए। चलिए दोस्तों जो यहाँ के खादिम साहब उनसे हम जानते हैं यहाँ के बारे में। हजरत आपका नाम क्या है और यहाँ पर आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं, आप कौन सी जिम्मेदारी? मैं आने जाने वालों की जो भी ज़ाहिरीन लोग आते हैं उनकी खिदमत करता हूँ, अपने पराए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी इस दरबार पे आता है मैं उनकी खिदमत करता हूँ। और मैं यहाँ का खादिम हूँ और हमारे पुराने पीढ़ी से चले आ रहा है, हमारे बाप दादाओं से चले आ रहा है यहाँ की गद्दी नशीनी क्या, और उनके जगद्दी के ऊपर हमारे पीर मुर्शिद हसरत अली बर्री बाबा हयात थे और आज भी हयात है, उनकी गद्दी है, उनकी गद्दी पे मुझे कायम किया गया है क्या सन 1966 से यहीं पर खिदमत देता हूँ हमारे बाबा का। तो ये जंगल था पुराना, ये सब जंगल की जगह है बाबा, और यह पूरा जंगल था, यह पुलिस थाना था, ये पुलिस थाने का रोड है आने जाने का पुराना क्या, और आपका मकान था इसके पीछे, इसके पीछे मकान थे, बाकी इसके सामने कुछ नहीं था, यहाँ सब मैदान था, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसके पीछे भाग में थे म्यूनसिपल कमेटी है पीछे
उधर मकान थे, बाकी आगे आपके दरगाह के सामने कोई मकान नहीं था। उस समय कोई आबादी नहीं थी यहाँ पर, क्या खाली सैलानी बाबा और खरीसा बाबा के सिवा यहाँ कोई रहता नहीं था। इसी मकान, इसी खानका के अंदर, ये खानका खरीसा बाबा रहमतुल्लाह अलैह की खानका है, सैलानी बाबा 14 खलीफाओं की खानका है, सैलानी दादा के 14 खलीफा हैं उनकी ये खानका है। और दादा सैलानी जब यहाँ से बाबा ने अपने पीर मुर्शिद के नाम से पूरी जो मिल्कियत है आपके नाम से वक्फ कर दिया था, तो बोले बाबा हमको क्या करना है, तेरी मिल्कियत, हम जंगल के राजा हैं, तेरी मिल्कियत को संभाल के रहे और तेरी गाजी, ये मेरी गाजी है यहाँ पे, तू आराम आराम से ये गाजी संभाल, क्या ये बोलकर आप जंगल में चले गए। तो ये खरीसा बाबा इस पेड़ के नीचे बैठते थे आप। ये किस चीज का पेड़ है? इमली का पेड़ है सर, ये खैरुलशाह बाबा के हाथों का लगाया हुआ है, वो है पहले का, वो खैरुलशाह बाबा के हाथ की वो इमली है। अच्छा, वो जो इमली, हाँ, और ये सैलान दादा के जमाने की भी इमली है। अच्छा। सैलान दादा हयात थे उस जमाने में, आज से 200 साल पुरानी इमली है ये, इसके पहले की इमली है, बाद की इमली वो है, वो दादा के हाथ की लगी हुई खैरुलशाह बाबा। आप हजरत मुझे ये बताइए कि इसमें हमें जगह जगह ये कुछ काली काली गुड़िया कुछ ये नजर आ रहे हैं, ये गुड़िया जो है बीमार भूत पलीत जिन्नात, ये आंख पे से गुड़िया उतारते हैं और भिलावा नींबू लेकर झाड़ में ठोक देते तो बलाएं यहाँ फूट जाती है। जो भी है जिन्नात है पलीत है चुड़ैल है डाकन है क्या, वो यहाँ खुट जाते हैं, अरे खुटा दिए मतलब कहने का कि इसमें गाड़ दिए तो बीमार शफा पा जाता है, बीमार दुरुस्त हो जाता है, उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती, किसी चीज़ की उनको अल्लाह ताला के हुक्म से बाबा की दुआ से तकलीफ नहीं होती। ये बुज़ुर्गों की दुआओं का सदका है क्या। यहाँ पे जिन्नात भी हो, पाक हो नापाक हो, जादू हो टोना हो करनी हो कौटाल हो, क्या किसी बाहर का जादू वाला भी यहाँ पे आता है क्या, वो भी पना मांगते हुए चले जाता है। ये पहला मुकाम दादा का है और सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत, अगर इस गुड़िया पे किसी का हाथ पड़ जाए उनको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो उसको कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक काटा भी नहीं चुभता, मतलब जिसका कीन करनी है जिसका उसके ही है टंगा रह जाएगा, जिसका उसके ऊपर चलेगा, मतलब वो हंसते हुए आता है रोते हुए आता है और हंसते हुए अच्छा बिल्कुल घोड़े के जैसा भागता है। और आप ये बताइए कि हजरत जो महाराष्ट्र के बाहर से कोई यूपी बिहार अहमदाबाद या कहीं से यहाँ पर आना चाहता है तो उसको कैसे आना होगा, किन रास्तों से उसको आना पड़ेगा? उसको बहुत रास्ते हैं, अपने डायरेक्ट मलकापुर, हाँ। मलकापुर से डायरेक्ट आपको बस है, हाँ। चिखली आने के लिए, हाँ। बुलडाना, बुलडाने से सैलानी जाने के लिए बस है, बुलडाने से चिखली आने के लिए बस है, मलकापुर से ट्रेन से अगर आना है, कलकत्ते से अभी लोग आएंगे, कलकत्ते वाले मलकापुर उतरते हैं, मलकापुर से बुलडाना, बुलडाने से सैलानी, वहाँ से भी रोड है जाने के लिए, चिखली आने के लिए डायरेक्ट रोड है यहाँ, तो खैरुलशाह बाबा के दरबार पे वो आ सकता, सैलानी बाबा के दरबार पे जा सकता यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है जो हमारे चैनल पे लोग जो वीडियो देख रहे हैं और जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला उनकी हर मुरादें पूरी करे और जो भी वीडियो लेके देखने वाले अल्लाह ताला उनकी जायज मकसद में कामयाबी कामरानी अता फरमाए और जूद पली जिन्ना शैतान जिसके ऊपर भी हावी अल्लाह उनको शफाए कामिल अता करे और दुश्मनों का मुँह काला करे, अल्लाह किसी का मोहताज न रखे, अल्लाह पाक दीन दुनिया में इज्जत रखे, जादू टोना करनी कौटाल को अल्लाह बाबा सैलानी के सदके में फना फिल्ला करेगा, उनकी नजर करम से भूत पली जिन्नात डाकू शैतान पलीत फना फिल्ला करेगा मेरे सैलानी बाबा की दुआ से, उनके रोजी रोजगार के लिए भी करो, अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की दे बरकत दे, किसी का कर्जदार न मोहताज रखे, जिस सिमत जाए उस सिमत अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता करे, अल्लाह बला को अल्लाह ताला फना फिल्ला करे, हर बलाओं से महफूज रखे, खेत बाड़ी हमेशा अल्लाह ताला हरी भरी रखे, बाल गोपाल सदा सुखी रहे और अल्लाह ताला दीन में भी और दुनिया में भी अल्लाह ताला उनकी इज्जत की आबरू की हिफाजत करे, अल्लाह ताला खैर और बरकत से नवाज दे मेरा मौला, अल्लाह बीमार है उनको शफाए कामिल अता करे, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे, जो बे औलाद है अल्लाह उनको औलाद से सरफराज करे, अल्लाह ताला तेरे हबीब के सदके तुफेल दादा पीर सैलानी के सदके तुफेल में अल्लाह ताला जिसका बगीचा हरा भरा करने वाले मेरे दादा सैलानी उनकी रोजी रिज्क में बरकत अता फरमाए, हर बलाओं से बचाए और जो एडियो ले जा रहे अल्लाह ताला उनके भी हाथ पाँव में ताकत दे और तरक्की बढ़ाए, अल्लाह ताला उनकी रोजी रिज्क में बरकत दे, हर बलाओं से महफूज रखे, दादा सैलानी का सदका जान माल की हिफाजत दिन दुनिया में लाज रखो, जहाँ भी गए दादा सैलानी का साथ रहे,
आपके नजर करम के सहारे से आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, खैर से मोहताज न रखे। अलमद, अस्सलामु अलैकुम।